केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की जयराम सरकार हर क्षेत्र में असफल साबित हो रही है। देश की जीडीपी 4.5 पर पहुंच गई है, जो कि यूपीए के दौरान 8% थी। देश को आर्थिक मंदी की तरफ धकेल दिया गया है। प्याज कीमतें 100 रुपए तक पहुंच गई है, जो लोगों को रुला रही है। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। हैदराबाद में दूसरे निर्भया कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया है। ये बात कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस भारत बचाओ अभियान को आगे बढ़ा रही है। इसी के तहत दिल्ली में 14 दिसंबर को महारैली का आयोजन किया जा रहा है। महारैली की तैयारियों को लेकर 5 व 6 दिसंबर को शिमला में बैठक की जाएगी। हिमाचल से 1000 कार्यकर्ता दिल्ली महारैली के लिए जा रहे हैं। राठौर ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में 58 करोड़ की स्कूली वर्दियां व बैग घटिया स्तर के खरीदे गए, इसमें महा घोटाला है, सरकार इसकी जांच करे। भाजपा में पत्रबम जैसी अंतकला चल रही है। IGMC में 2-2 प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं। सरकार का शासन प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगी। रामलीला ग्राउंड में भारत बचाओ रैली का आयोजन हो रहा है और आज देश को बचाने की ज़रूरत है। बढ़ती हुई महंगाई से देश को बचाने की ज़रूरत है। कानून बदहाल कानून व्यवस्था जो हो रही है, जिस ढंग से जो है बलात्कार हत्याओं अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, आज देश को बचाने की ज़रूरत है बढ़ती हुई बेरोजगारी से। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है राष्ट्रीय स्तर पर भारत बचाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। और आप लोगों को याद होगा कि हमने 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हिमाचल में भी जो है जिला स्तर पर धरने और प्रदर्शन किए इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें भारी संख्या में लोग जो है सड़कों में निकल के आए। अब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल से हमको टारगेट 1000 का दिया गया है। हालांकि हिमाचल में मौसम अनुकूल नहीं है, हमारे जो कबायली ज़िले हैं वहाँ बर्फ गिरी है, फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम 1000 से ज़्यादा लोगों को लेकर जो है इस महारैली में जो है शिरकत करें। देखिए, मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला है। जो 58 करोड़ की लागत से वर्दियाँ जो है खरीदी गई स्कूल के बच्चों के लिए, लेकिन ये सारी जो है बड़े निम्नतम स्तर की हैं। पहली धुलाई में जो है इसका रंग निकल रहा है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसके पीछे जो भी घोटाला है वो उजागर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश की जनता के साथ और छोटे बच्चों के साथ जो है बहुत बड़ा मजाक है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।